अनुपमा में रिपोर्ट्स के मुताबिक वनराज की फिर से एंट्री होगी और वो बा और बापूजी को शाह हाउस लेकर चला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अनुपमा का अमेरिका जाने का सपना भी पूरा होगा। हालांकि न उसके साथ छोटी अनु होगी न ही अनुज। वो अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। शो में आगे क्या होने वाला है, अनुज और छोटी अनु कहाँ रहेंगे, ये तो खैर हम आपको आने वाले समय में ही बता पाएंगे। तब तक के लिए बताते हैं कि शो में आगे क्या होने वाला है। अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुज और अनुपमा वॉक कर रहे होंगे, तभी अनुज की नजर रोमिल पर पड़ेगी। रोमिल को देख अनुज और अनुपमा भड़क जाएंगे। दरअसल रोमिल तेज स्पीड से स्कूटी चला रहा होगा, उसके साथ एक लड़की भी होगी। जब रोमिल कपाड़िया हाउस लौटेगा तब अनुज और अनुपमा उसके ऊपर चिल्लाने लगेंगे और अनुपमा कहेगी कि भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो माँ बाप पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है। अनुपमा की बातें सुनने के बाद रोमिल इमोशनल हो जाएगा और उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आगे क्या होने वाला है। शो में आप देखेंगे कि रोहित और रूही की शादी के फंक्शंस की शुरुआत हो चुकी है। हर कोई वेडिंग फंक्शंस एंजॉय करता दिखाई पड़ेगा और परिवार को उम्मीद है कि रूही घर में खुशियां लाएगी। अपनी शादी को लेकर रूही एक बड़ा फैसला लेगी और अरमान का इंतजार ना करने की बात भी करेगी। वो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि शादी के लिए अरमान का इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए वो बिना अरमान की मौजूदगी के ही शादी के बंधन में बंधने की बात कहेगी। फंक्शन खत्म होने के बाद दादी सा इस बात की अनाउंसमेंट करेंगी कि सगाई के लिए कल की डेट फिक्स की गई है, यानी अगले ही दिन रूही और रोहित की सगाई होगी। शो में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आखिर खुशियों के बीच फिर होगा ड्रामा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ TNT लाइव पर, ताकि एंटरटेनमेंट से जुड़ा कोई भी अपडेट रह ना जाए।